हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल चौहान। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं जावा के एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए मिनिमम टूल्स रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि जावा के एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कि आप कमांड लाइन का यूज करके, सीएमडी का यूज करके, मैक पे है तो टर्मिनल का यूज करके कोड को कंपाइल और रन करा सकते हैं। दूसरा तरीका होता है आईडीई का यूज करके, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट का यूज करिए, जिसमें नेटबीन्स, इक्लिप्स और ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। उसमें क्या है कि आप कोड लिखिए, बटन दबाइए, कोड कंपाइल रन आपके सामने हो जाएगा अपने आप। अब मैं आपको बेसिक टूल्स बताता हूं, पहले कमांड लाइन के क्या है। तो कमांड लाइन से अगर आप जावा एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं तो आपको चाहिएगा एक टेक्स्ट एडिटर। जैसे एग्जांपल के लिए आप नोटपैड यूज कर सकते हैं। नोटपैड में कलर्स नहीं है, फॉर्मेटिंग में बड़ी दिक्कत होती है, तो बेरंग हो जिसकी जिंदगी वो यूज करे नोटपैड। दूसरा हम यूज करेंगे नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड प्लस प्लस में थोड़ा कलरफुल है और फॉर्मेटिंग आसान होती है। आप सबलाइन टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, एटम टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, ऐसे कई सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं। टेक्स्ट एडिटर के तौर पे आप कोड लिखने के लिए यूज कर सकते हैं अगर आप कमांड लाइन से जब एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं तो। अगर आप आईडीज के थ्रू जावा एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं तो आप नेटबीन्स, इक्लिप्स, इंटेलिजे, ब्लूजो, ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक टूल और हमें रिक्वायर्ड है, वो है जेडीके। जेडीके के बिना आप जावा का एप्लीकेशन कंपाइलर रन नहीं करा पाएंगे, क्योंकि कंपाइलर और जो रनिंग एनवायरनमेंट जेआरई, जेवीएम वगैरह है वो सब जेडीके के अंदर आते हैं। तो समराइज करते हैं, तो एक जावा एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए क्या क्या टूल चाहिए। जावा एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए हमें चाहिए, अगर हम कमांड लाइन से कर रहे हैं तो टेक्स्ट एडिटर जेडीके, डन। और अगर हम आईडी के थ्रू कर रहे हैं, एक आईडी कोई भी, नेटबीन्स, इक्लिप्स, इंटेलिजे और जेडीके, जेडीके दोनों के समझिए। अगली वीडियो में सीखते हैं जावा के कोड को कंपाइल करना और रन कराना कमांड लाइन और आईडी दोनों से। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाल वाला बटन प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।